जिले के कृषि उपज मंडी देई में सोमवार को कृषि जिंसों की नीलामी नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने आधे घंटे तक स्टेट हाईवे 34 सड़क मार्ग नैनवा बूंदी पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों ने मंडी गेट के सामने वाहनों की आवाजाही को रोककर वाहनों के पहिए थाम दिए, जिससे सड़क की दोनों साइडों पर वाहनों की लंबी लाइनें शुरू हो गईं। इसके बाद नीलामी शुरू होने की सूचना के बाद किसानों ने जाम हटाया और मंडी पहुंचे। इस दौरान यात्री परेशान होते रहे। जानकारी के अनुसार मंडी में हमाल संघ द्वारा निर्धारित समय बाद भी हमाली की दरें नहीं बढ़ाने से तुलाई से मना कर दिया। हमालों द्वारा तुलाई के लिए मना करने पर व्यापारियों ने नीलामी रोक दी। इसके बाद नीलामी नहीं होती देखकर किसान सड़क पर उतर गए और चक्का जाम कर दिया। मंडी प्रशासन ने हमाल संघ से बातचीत कर हमाल संघ को तुलाई के लिए राजी किया, किसानों से वार्ता कर जाम हटवाया। हाईवे जाम करने वाले किसानों की मांग थी कि मंडी में व्यापारियों द्वारा कम भाव पर माल तुलाई की जाती है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी मांग को लेकर कई किसान नीलामी शुरू होने के बाद भी नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने नहीं पहुंचे थे, लेकिन आधे किसानों के जाने से चक्का जाम समाप्त करना पड़ा। जाम की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन तब तक जाम हट चुका था। यहाँ के जो व्यापारी है वो मिलके सौदा कर रहा है और किसान से कम 500 रुपए दान में, हर दान में कम ले रहे हैं और कोई सुनाई नहीं है किसान की। और किसान से जब से देह की मंडी खुली है, जब से शोषण हो रहा है और आगे कोई प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं कर रखी है। जे न्यूज के लिए बूंदी से हनुमान गौड़ की रिपोर्ट।